वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। उम्मीद है आप सब लोग बड़े खुश होंगे, मजा कर रहे होंगे, लेकिन पाजी मेरे दिन बड़े खराब चल रहे हैं। क्यों? ग्रह खराब है। मेरे को बाहर ज्योतिष मिला, कह रहा तेरे ग्रह बड़े खराब चल रहे हैं, किसी गरीब को खाना खिला। मैंने कहा मैं खा लूंगा शाम को, बोलता नहीं किसी बाहर के को खिलाना है। आप देखो भगवान अगर बुरे दिन लाता है तो साथ में ऑप्शन भी देता है। उसने मेरे घर में मंजू के बाप को भेज दिया, मैं उसको खाना खिलाऊंगा, मेरे ग्रह शांत हो जाएंगे। हाँ बच्चे तौफीक, एक काम करना, 15-20 लाख रुपए ले, हेलीकॉप्टर में बैठ और गरीबों में फेंक दे। और सुनो, गरीबों में ऐलान कर दो कि आज मैं पैसे बांटने वाला हूं, और एक गरीब ने तो सुन भी लिया है। भाई साहब आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? खड़ा खड़ा आदमी क्या करता है, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं, तेरे को क्या लेना देना बे? आपका घर था, अब नहीं है। ओ, क्यों? अब ये मेरे नाम हो चुका है। क्या बकवास कर रहा है बे? वे? पैसे वाले को बोल रहा बकवास कर रहा है, खुद ही मार, ऐसे ऐसे खुद ही मार अपने आप को। क्या बकवास कर रहा है, ये घर तेरा कैसे हो गया? घर मेरा हो गया। कैसे? मैंने तुझसे लेना था 25,000 रुपया जो आज तक तू नहीं दे रहा था, तो सो मैं हाईकोर्ट चला गया, वहां जाके मैंने एक रिटायर चपरासी से ये फैसला लिखवा लिया है, आज के बाद ये घर मेरा है। अगर शक्ल अच्छी नहीं बात तो अच्छी है, अगर चपरासी भी कभी फैसले करते हैं, अबे जज करते हैं फैसले। सिद्धू भाई कहता जज फैसला करते, जज फैसला करता बड़े बड़े लोगों का, तेरी इतनी पोजीशन है कि तेरा फैसला कोई जज करे। बड़ी बात है अगर चपरासी भी तेरे बारे में कुछ कह दे। ये देखो मेरे पास फैसला है। मेरे बारे में जज फैसला नहीं करते। हाँ। आपको पता है ये इसकी करतूत बताऊं आपको मैं? बता बता। ये जज के पास चला गया, कहता मेरे पड़ोसी ने मेरे को गाली दी, कहता तू भी दे जाके, मेरे पास फालतू नहीं है ना, थप्पड़ मारूंगा, ऐसा बोला जज ने। तेरे लिए बड़ा टाइम निकालता है बेवकूफ कहेगा, पड़ पड़ खबरदार अगर इसे जमीन पे फेंका तो जल्दी से घर खाली करो। मेरे घर में एक बंदूक पड़ी पहले, वो ना खाली कर दूंगा तेरे ऊपर। तेरा क्या मतलब है मैं बंदूक से डर जाऊंगा? हाँ चलो कोई और बात कर लेते भाई। आज के बाद ये चिट्ठी के हिसाब से आधे घर का मालिक मैं हूं। आज से आधा घर मेरा, आधी ऑडियंस मेरी, आधे सिद्धू साहब भी मेरे। अगर तुम प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हो तो मेरा जरूर ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं ना। कौन भाई? किसका भाई? भैया तुम मुझे भूल गए? भूल तो तेरी मम्मी कह रही तेरे को पैदा करके अगले दिन। बिट्टू शर्मा साहब वो भूली नहीं थी, अच्छा जो होता वो बताया करो, वो तो हॉस्पिटल में बिल ज्यादा बन गया था, तो मम्मी ने कहा था इतने का बच्चा नहीं जितने का बिल दे रहे हो। मुझे तो उसी वक्त भूल गया था, इसको 5 साल बाद हॉस्पिटल में छोड़कर आए, कहते वो छोटा होता था बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा और कैसा ढोलक जैसा लगने लगा ये। ले जाओ इसको। कितना बड़ा तेरा मुंह, मुंह खोल के मत सोया कर, बिल्ली बच्चे दे जाएगी किस दिन, मैं तेरे को बता रहा। मेरा मुंह बड़ा है, इसका मुंह छोटा। सिद्धू भाजी मैंने बिल्ली से पूछा इसके मुंह में बच्चे क्यों नहीं देती, कहती मैं ही पूरी नहीं आती बच्चे कहां रखूंगी। थोड़ा कम कर ले इसको। क्या कम कर लूं? वो तो नाई के बाद शेव कराने गया, पता नाई यहां तक शेव करके बैठ गया, मैं कहा बाकी भी करो, कहता बाकी लंच के बाद। फिर उठा, फिर 2-2.5 घंटे लगा रहा, फिर इतनी छोड़ दी उसने इस तरफ वाली, मैं कहा बाकी भी कर, कहता रहने दो बाजी मेरा उस तरह गर्म हो गया, इतना बड़ा मुंह है इसका। शर्मिया थी। चलो मेरे पास तो पैसे होते सिद्धू भाजी मैं नाई के पास चला जाता हूँ। एक दिन बिल्ली के साथ बैठा बातें कर रहा, मैंने कहा ये बिल्ली के साथ क्या बातें कर रहा है, तो बिल्ली को कह रहा था देख मेरी बात सुन, तूने सारी कर दी है, थोड़े से बाल यहाँ रह गए, एक पंजा इधर भी मार दे। मुझे तो बिल्ली ने पंजे मार के मेरी शेव की ना, ये भी बिल्ली के पास गया, कहता मेरी भी शेव कर दे, उसने कहा कुछ नहीं गंदी गाली देकर निकल गई वो। ये पाजी मैं बता दूं, गंदी गाली थी, दो गंदी दी थी, दो अच्छी दी थी, अच्छी मैंने रख ली थी, गंदी मैंने अपने भाई को दी थी। पाजी देखो हम जैसे भी हैं भाई हैं, आपने हमारे दोनों भाइयों के बीच में नहीं आना, मैं आपको बता दूं। मैं कौन होता हूं आने वाला तुम्हारे दोनों भाइयों के बीच, 3 बहनें जो आई पड़ी, मैं क्यों आऊंगा? देखो भाई आए बहने आए, ये हमारे पापा का टैलेंट है, अगर आपके पास ये टैलेंट नहीं है तो क्यों जल रहे हो? Yes! Yes!
टैलेंट मेरे पास बहुत है, इनके पिताजी के पास टीवी नहीं था तो ध्यान फिर और कामों में लगा रहा। मैं नहीं मानता तो मेरा भाई है, वरना बहुत बेइज्जती हुई है। चलो पापा तो मानते कि नहीं हम दोनों भाई हैं। ओ वो तो तुम्हें मुंह ही नहीं लगाते। इसलिए मेरे को मैसेज भी बताते रहते हो कि तेरा छोटा भाई है। मैसेज में बताते रहते हैं? हाँ। नहीं मैसेज कौन से, फोन तेरे पास है नहीं, मैसेज तेरे पजामे में आते हैं। कौन से मैसेज? चल इसीलिए अपना पजामा झाड़ रहा था, कहता नेटवर्क नहीं आ रहा। सारे अपनी बातें बता रहे हैं, मेरा नाम लगा कर मेरी, मेरी एक बार तो नाड़ा खोल के बैठ गया था, जब इतनी लंबी वायर है तो लैंडलाइन क्यों ना लगवा लो। मैं जा रहा हूं इधर आ। आपको पता है ये बड़ा भाई छोटे को ताने मारता था, छोटा बड़े को। हाँ। ये जब पैदा हुआ ना तो ये बातें बता रहा कि उसको ये कर दिया वो कर दिया। असल में जब ये पैदा हुआ ना तो मोहल्ले वाले माता पिता भी चढ़ गए इनके, कहते जब पहला अटेम्प्ट खराब गया था दूसरी जरूरत भी कैसे किया। नहीं जब आप पैदा हुए तो उस वक्त तो मोहल्ले में इनाम बांट गए थे ना। प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पे कहा था ये देखो क्या हो रहा है। और साथ वाले मिनिस्टर ने कहा था जिसका डर है वही हो गया है। पैदा होता ना तो डॉक्टर आते हैं, मुबारक हो बेटा हुआ, मुबारक हो बेटी हुई है। हाँ। ये जब पैदा हुआ ना डॉक्टर आया था, भाई अंदर हो गया ले लो। पैदा होता है ना, जब बंदा पैदा होता है या तो घर पैदा होता है या हॉस्पिटल पैदा होता है, ये वहां पैदा हुआ जहां लिखा हुआ था, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ये पैदा हुआ तो नर्स ने देख के कहा पैसे की कमी नहीं है। सुनो मेरे यहाँ पे मेहमान आने वाले, चलो बाहर जाओ। चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ मेहमानों की वजह से, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर तुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। और सुनो इसकी बुआ को बोल देना कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर क्या होता है? कोड वर्ड है, खुद ही समझ जाएगी, तू बोल देना। ये कार्बोरेटर वो नहीं होता जिसमें कचरा आता है? वही है, हर जगह अपनी पड़ी रहती है, अपना मुंह अंदर ले के बाहर जा कार्बोरेटर जैसा, चल भाग जा यहां से। साहब ये गलत बात है, बेइज्जती आपकी होती है, गुस्सा मुझ पे निकाल देते हो आप। बदतमीज आदमी। करे कल्लू मरे लल्लू। आगे मेरा मूड ही खराब कर दिया और आप लोगों को मजा आ रहा है। आप तो मैंने देखा पाजी वैसे हमेशा मजे में रहते हो। हाँ। लेकिन आपको दो जगह पे ज्यादा मजा आता है। हाँ। या तो आपकी फेवरेट हीरोइन आई हो। हाँ। या आपके पुराने दोस्त आए हो कुछ क्रिकेट चिकन वाले। पर आज मैंने आपको डबल मजा दिलाने का इंतजाम कर लिया पाजी। अच्छा। क्योंकि आज जो हमारे बीच में आ रहे हैं वो आपके खास दोस्त भी हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर कृष्णमचारी श्रीकांत और मिस्टर अजय जडेजा। जडेजा के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आज सिद्धू भाजी बड़े खुश थे, कहते आज मेरे दोस्त आ रहे हैं श्रीकांत जी और मिस्टर अजय जडेजा। मैदान जंग में जो जाते थे अक्सर तूफान बनकर। ये क्या रहे आज? तुम आ रहे क्या उधर सिंहासन पे बैठ रहे क्या? उधर जाके आपको क्या बोलते हैं आज तूफान की फान क्या बैठ रहे हो उधर राजा? बोलते सिंहासन पे बैठे आप। मैदाने जंग में जो जाते थे अक्सर तूफान बनकर, आज शरीफों की तरह खड़े हैं सामने मेहमान बनकर। अरे वाह, आपकी तारीफ की है। भारत के शुक्रिया। क्रिकेट के आसमान के चमकते हुए सितारे हैं श्रीकांत और जडेजा, जिन्होंने सदा तिरंगे का नाम रोशन किया है हिंदुस्तान। अरे वाह, पहले इसका पैंट निकालना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ डियर व्यूअर्स, आई टेल यू वन थिंग, हिंदी हिंदी जडेजा
ये इतना बात कर रहे इधर, कभी टीम मीटिंग में एक वर्ड बोला तू बोला इतना इतना शेर बेर बोलते है, सिद्धू इसम बुद्धू इसम सब बोलता है ना, कभी कभी टीम मीटिंग में एक बार एक सजेशन दिया, जडेजा जाके ये कह लो, चिका भाई तो ये करो, कपिल पाजी ये करो, कुछ कभी बस सच्ची बोलो ना जो ऑन योर डॉटर्स। मतलब आपने सोचा मैं झूठ बोलूंगा? चलो फिर भी कोई एक बार बोला क्या बोला नहीं एक बार याद है जो मुझे बोला क्या बोला 1996 नहीं नहीं 1996 में हम श्रीलंका से हार गया, वो मैच आपको याद होगा, आप भी कमेंट्री कर रहा था, श्रीलंका बहुत मार रहा था, सारी टीम एक तरफ थी कि नहीं नहीं हमको बैटिंग फर्स्ट करनी सेकंड करनी चाहिए क्योंकि कालू इतारना और जयसूर्या बहुत मार रहा था, लेकिन एक अकेला सिद्धू खड़ा था उस दिन और एक ही बार बोला, इसने कहा नहीं पहले बैटिंग करो, हमने नहीं मानी इसलिए आज भुगत रहे। चेरी पाजी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं और आप लोग देखते ही रहते हैं, मेरी तारीफ एक है मुझे जो मैं भूलता नहीं कभी। हमारा टेस्ट मैच चल रहा था यहाँ पे बम्बई में, मैं तो खेलता नहीं था, 12th में नहीं होता था टेस्ट मैच में, और रूम पार्टनर हम रह चुके थे 4-6 महीने साथ, और तो कोई रहता नहीं था वैसे तो, मेरे को ही रहना पड़ता। हाँ वो स्टोरी भी करेक्ट, मतलब सच्ची स्टोरी है, मैं सच्ची सुनाऊंगा सारी। तो मैच मैं आया सुबह 5 बजे, उससे नहीं पहले स्टोरी से पहले कि रूम में हम पार्टनर बने तो कहते बच्चों इस रूम के अंदर जो होगा ना कभी बाहर नहीं जाएगी ये बात। अच्छी बात भी है। मैं कहा यार इससे अच्छा रूम पार्टनर ही नहीं मिल सकता लाइफ में। बिल्कुल आज ये मरवाएगा गुरु। मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। तो फिर कहते कुछ होगा बाहर, मैं आता था रोज 4-5-6 बजे, ये सुबह ध्यान में लगे होते थे तो दोनों को सूट करता था, ना ये मिस करते थे ना मैं मिस करता था। मैच में गए, मैच हुआ, लंच टाइम के बाद फील्डिंग करने जाना पड़ा, ये तो जाते नहीं थे। मैंने जाके कैच पकड़ा, टी टाइम पे बैठे कपिल पाजी इधर और ये इधर, कहने पाजी ए तुसी जब मुंडा फाड़ के लाया, सॉरी हाँ, मुंडा फाड़ के लाया ना हीरा है, हीरा कहना किस तरह, कहना सवेरे 6 बजे आया लेकिन फील्डिंग देखो यदि। जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उस समय श्रीकांत सर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे और वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जोरदार तालियां बनती हैं। सर आपने क्रिकेट ज्वाइन करने से पहले आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री भी ली थी, तो यही कारण था कि आपकी बैटिंग में काफी करंट रहता था, मतलब क्योंकि आपसे पहले सर जितने भी प्लेयर मैंने देखे हैं वो हमेशा टुक टुक करते, डिफेंसिव खेलते थे, आपने आते ही ठोको रोको, ये तो सिद्धू भाई ने ठोको टोको भी बोलना शुरू किया, आपने ठोको फील्ड पे करना शुरू कर दिया था। मेरा क्या है, क्रिकेट भी कॉमेडी हो गया मेरे को, इसीलिए ऐसे मैं कभी मजा के लिए खेला, मैं कभी सुनता मैं कभी सोता नहीं इंडिया के लिए खेलना चाहिए, कैप्टन बनना चाहिए, वो करना चाहिए, जाके एंजॉय करने के लिए आया, इसलिए आज भी आपका शो के लिए आया ना, मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए। उस दिन 83 में कपिल देव मेरा कैप्टन है था, आज कपिल शर्मा। अरे देखिए सिंस ही स्टार्टेड अबाउट 1983 आई हैव टू टेल यू दिस, हिंदी 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 में मेरा हिंदी जैसा है कपिल देव का इंग्लिश है वैसे ही है। कपिल बाजी माफ करो, जस्ट जोकिंग है कपिल बाजी। चीका भाई हिंदी का हाइट ऑफ आपका परफॉर्मेंस जो है ना, जो मैं आज तक नहीं भूला हूं, जो मुझे सबसे ऊपर लगता है वो है आपका हिंदी का वो गाना हम बने। कितना बार गाड़ियां रही है, नहीं नहीं कितना बार करो यार, कम ऑन कम ऑन, एक बार पॉपुलर डिमांड है, एक दूजे के लिए गाना बोल रहे हैं, नहीं 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 एक दूजे के लिए गाना बोल दो, एक बार गा दो, अगर ना सारे हिल गए ना यू विल रॉक द शो, आई एम टेलिंग यू, एक तो बनता है। ये गाना सिद्धू इतना बार बोला, मैं इतना बार सॉन्ग सिंग किया, गाया, आ, गाया क्या बोलो, नहीं हो सकता क्या तुमको, ठीक है आप एक दूसरे के सर, अभी अपने हाँ। सिद्धू पाजी के लिए गाया ना, अभी सर आपकी फैन सुनना चाहती हैं, फीमेल फैंस, बहुत बहुत शुक्रिया। Brenner, oh English hai na.
ठीक है भाई, टू गुड। अच्छा भाजी, अजय सर ऐसे बैट्समैन है कि जब ये इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से एक से लेके आठ नंबर तक हर जगह पे आपने हर नंबर पे आपने बैटिंग की है, जब ये बैटिंग करने जाते थे इनको भेजते थे तो तकरीबन मैच फंसा हुआ रहता था। जैसे सपोज 25 बॉल में 45 या 50 रन चाहिए तो आप कर भी लेते थे पूरे, तो ये आप मजबूरी में करते थे या आपको मजा आता था ये सब करने में कि मुझे कम मतलब होता था कि मिनिमम इनपुट में ज्यादा आउटपुट? कोई और होता नहीं था, उसी जगह में मुझे खेलने को मिलता था, तो मजबूरी मेरी ये थी कि आठ हो, सात हो, छह हो, पांच हो, एक हो। शरीफ भाजी कभी कभी जब नहीं आते थे तब ओपन करने को मिलती थी। शरीफ भाजी का क्या प्रॉब्लम है ना, तीन मैचेस 50-50-50, फोर्थ मैच श्योर रेस्ट। वो मैच रेस्ट उस टाइम रेस्ट टाइम में जड़ेजा का चांस मिलेगा। ऐसे मेरा नाम तो स्टेपनी रखा हुआ था। ऐसे क्यों? स्टेपनी होती है जो टायर फेल हो जाए वहां लगा दो। तो मतलब आपने एक से लेकर आठवें नंबर तक तकरीबन मेरे ख्याल से नौवें नंबर पे नहीं कभी आप खेले, आठ से शुरू किया, ओपनिंग भी की आपने, आप कैप्टन भी रहे, काफी काम किया आपने। मैं बताता हूं, तो आप फ्लेक्सिबल थे, हर जगह फिट हो जाते थे वैसे एक्चुअली। मैं बताता हूं जी, नंबर ओपन पे बैटिंग करनी सबसे आसान, किसी की एवरेज 50 है, किसी की 55 है, एक्सक्यूज मी, सबसे इन वन डे क्रिकेट, लिसन, मैं सही बोल रहा हूं, यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट मी, वन डे क्रिकेट में ओपन करनी सबसे आसान है, आपको ज्यादा ओवर मिलते हैं। सबसे मुश्किल काम है नंबर छह पे आके लास्ट चार ओवरों में 40 करने, और अजय जडेजा ने वही किया है। वकार यूनुस को वर्ल्ड कप 96 में 4 ओवर में 42 रन मारे। अरे वाह, ठीक है, तू कुछ भी बोल आज। क्योंकि आज महाराज है ना, इसीलिए महाराज है, तो महाराज उधर बैठ रहे, हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे बड़े भाई, प्रजा, हम लोग प्रजा इधर बैठ रहे हैं। श्रीकांत सर, जब आपने अपना डेब्यू किया वनडे में, हाँ, अच्छे स्कोर बनाए, उसके दो दिन बाद आपने टेस्ट में भी अपना डेब्यू कर लिया था, हाँ, तो वहां पे भी आप सेम ही मतलब एग्रेसिव रहे उसमें भी, कि आपको लगा कि नहीं यार ये टेस्ट मैच इसको धीरे धीरे खेलूं, पर वहां पे भी मारदार करनी शुरू कर दी थी आपने। आउट हो गए थे पहले टेस्ट मैच, पूछो इनसे कैसे, पहले टेस्ट मैच में कैसे हो गया था, पूछो उनसे क्या हुआ था, क्या हुआ था, हो गया था एक, अब बोला ना क्या धीरे धीरे खेल के ना, मैं धीरे धीरे ही खेला। नहीं नहीं, आप कहां खेलते थे, आप तो फास्ट फास्ट खेलते थे। नहीं नहीं, फास्ट फास्ट भी खेला मैं, क्या किया, पहला टेस्ट मैच है, डेब्यू है मेरा, स्टांस ले लिया, अच्छा खेल रहा है, 13 में खेल रहा है स्टांस, तो जहां तक मुझे याद आप लेते नहीं, आपका बैट हवा में रहता था, किधर बॉलर आए सही, नहीं नहीं आप ऐसे रहते थे शायद ज्यादातर, नहीं मुझे आप जैसा बात कर रहे हैं मेरे को क्रिकेट कुछ भी कुछ नहीं मालूम है, ऐसा बात कर रहे थे भाई साहब, मैं थोड़ा इंडिया कैप्टन भी है मालूम है, आई नो सर। बॉल टू कवर्स मिड ऑफ टू बॉलर ये जाके क्या किया, ऐसा टर्न करके मार दिया सब में। मैं क्रीज के बाहर था, रन आउट हो गया, रन आउट हो गया ऐसा बैठ गया उधर अंदर। बाद में अंदर ड्रेसिंग रूम गया, देन यू नो व्हाट हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम, dumb and other commentary mein late Nawaba Patadi bol rahe, Srikanth look like walking in the, he's taking a walk in the Juhu beach, aisa bol raha. Lekin isse bhi kharab ek banda out hua hai, kaun bataiyo, bhi Jadeja bataiyo, Gurcharan Singh kaise stump hua tha, वो सचिन तेंदुलकर को देखा ना आप, हाँ। वैसे से करते हैं वो, एब्डोमिनल गार्ड को एडजस्ट करते हैं, मतलब बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, तो वो उन्होंने बैटिंग की, आगे ऐसे आके खेले, बॉल बीट हो गई, कीपर के पास चली गई, वो ऐसे करते हैं। तो बंदे ने पीछे से स्टंप कर दिया। अरे मैंने अरे सर एक चीज देखी है, टीम चाहे किसी भी सिचुएशन में खेल रही हो, चाहे जीत रही हो चाहे हार रही हो, अजय सर का अगर इतने साल में कुछ नहीं बदला तो वो है स्माइल, वो हमेशा रहती थी। तो सर ये आप सामने वाली टीम को चिढ़ाने के लिए करते थे कि आपको उस समय अंदाजा हो गया था कि एक ना एक दिन आप कॉमेडी नाइट्स में आएंगे? टीम के लिए नहीं है, सामने वाले मन में क्या क्या कौन कौन है इसके लिए लड़ने के लिए, क्या बोलते हैं लड़की, नॉट टू प्लीज द टीम,
कि प्लीज आउटसाइड द टीम. वो जो स्माइल थी ना, वो स्माइल विरोधी टीम के लिए नहीं थी, वो स्माइल जो थी वो लड़कियों के लिए थी. श्रीकांत सर, आप ना अजय सर की ज्यादा खिंचाई मत करो, हमारे पास आपके लिए भी एविडेंस है, आपके खिलाफ भी. क्या एविडेंस है? आप क्यों घबरा रहे हैं जब आपने कुछ गलत किया? नहीं मैं आई एम नॉट स्कैर्ड, यू आर लुकिंग स्कैर्ड. नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं दिखाऊं आपको. आगे दिखाओ. पिछले दिनों सुनील गावस्कर साहब आए थे. हाँ. तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था आपको लेकर. हमें पता नहीं है वो कितना सच है या कितना नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपसे कंफर्म कर लें सर. ओ 1986 है, मालूम है क्या बोलता है. अरे 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 अरे, क्या हुआ था सर? मैं अभी बोल, तू सुनील गावस्कर बोला तो मेरे को मालूम है. वो किस्सा बोला तो मालूम है, लॉर्ड्स का टेस्ट मैच वो वाला है क्या? मैं आपको दिखा दूं सर? मेरे को मालूम नहीं. विद परमिशन? विद परमिशन दिखाओ. प्लीज प्लीज चला दीजिए यहाँ पे. देखिए ओपनिंग बल्लेबाज जो होते हैं ना, वो तो थोड़े से लूज होते हैं. कौन बंदा होगा जो फास्ट बॉलर्स को खेलना चाहेगा? ओपनर्स तो हमेशा फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं. नया गेंद होता है, पिच के बारे में कुछ पता नहीं होता है. थोड़ा सा तो सनक होना ही चाहिए. हम सब लोग वैसे ही है, पर हम सबसे स्मार्ट, सबसे सनकी तक कृष्णाचारी श्रीकांत इंग्लैंड में खेल रहे थे, और इयन बोथम को उन्होंने उस वक्त ड्रॉप किया था इंग्लैंड की टीम में से. तो दोनों बैटिंग कर रहे थे, श्रीकांत और हम, और बॉल इतनी स्विंग हो रही थी, इतनी स्विंग हो रही थी और इतनी स्विंग हो रही थी, और उस वक्त धूप भी नहीं निकली थी, तो वो ऊपर देखने की कोशिश कर रहे, सूरज नहीं दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी मुश्किल में थे. और उसी वक्त एक स्ट्रीकर आ गई. स्ट्रीकर मतलब जो बर्थडे सूट में बगैर कपड़े उतार के वो आ गई, और वो दिखाना चाह रही थी, वो बोथम की सपोर्टर थी, वो दिखाना चाह रही थी कि ब्रिंग बैक बोथम. तो उसके लिए वो स्टैंड में से वो भाग के आ गई. और एक बात हमने देखी कि ये समझ में नहीं आता कि जो एथलीट्स की बात नहीं करे, पर लड़कियां जब भागती है ना, तो वो ऐसे ऐसे क्यों भागती है? ऐसे ऐसे क्यों नहीं? लड़की अच्छा, तो वो भागती आई, वैसे भागती आई तो आई, तो उस वक्त उसके पास हाई हील थे, तो पिच पर आ गई. तो पिच तक आ गई तो मेरा तो बस ये था कि इतने जो बड़े हील थे उससे पिच खराब ना हो गुड लेंथ की तरफ. तो मैं उसको बोल रहा था दूर रह कर. अब श्रीकांत भी मेरे साथ था, स्ट्रगल कर रहा था, बॉल मीट ही नहीं हो रही थी. तमिल ब्राह्मीन, हाँ, वो देख नहीं पाता. तो जितना भी वो तमिल ब्राह्मीन ऐसा ऐसा करके उसने थोड़ा सा देख लिया. उसके बाद में जो उसने जो तड़ी दी है ना बॉलर्स को, मारे जाए मैं जाके बोल रहा हूँ वाह रे वाह बेटे वाह, ये तेरा सीक्रेट है. क्या सनी भाई बोला ना, अच्छा है, करेक्ट है. उधर जाके डिंग डांग आगे ब्रिंग बैक बॉटम, ब्रिंग बैक बॉटम तो ठीक है यार, ब्रिंग बैक बॉटम एक होर्डिंग डालेगा तो ठीक है सिर्फ में एक प्लकार हो तो ठीक है. मालूम है क्या बोला सनी भाई? ऐसा आ गया एक साइड में सुनील, उधर से हंस रहे उस सेंस हंस रहे, मैं इस सेंस बैटिंग किधर देखा, उधर भी देखे क्या, इधर देख रहे क्या, उधर देख रहे. आप भी आदमी है ना, आप थोड़ा थोड़ा उधर देखता है ना. पाजी मुझे ना लोग ऐसे बोलते हैं श्रीकांत सर की हिंदी के बारे में, मेरे को तो सर कभी ऐसा लगा नहीं है, मेरे को तो मजा आता है हमेशा सुन के. एक कमेंट्री हो जाए सर, एक ऐसा ही अपनी ऑडियंस के लिए. अगर मैं और अजय सर क्रिकेट खेलते हैं सर, हम हिंदी कमेंट, चीका भाई बात कर रहे थे अभी, हिंदी कमेंट्री करने वाले हम. हाँ. ना सर अभी यहीं पे कर लेते हैं, आप और मैं खेलते हैं. हाँ. श्रीकांत सर कमेंट्री कर देते हैं. ब्रिलियंट ब्रिलियंट. हाँ ठीक है ठीक है. बॉलर जो भी कर रहा है, जडेजा बॉलिंग कर रहा था, ये बैटिंग करना चाहिए. अभी जडेजा बैट दे दीजिए. अभी जडेजा बॉलिंग एंड से मैं आप बॉल करोगे, बैटिंग करो आप. मैं बॉलिंग ही ठीक है सर, बैटिंग वैसे नहीं होती. ओके अरे जडेजा अभी आ रहे बॉलिंग से, बॉलिंग करता है किसके जैसे करता है? दाएं हाथ से. सुनो ध्यान से सुनो दाएं हाथ से बाएं हाथ.
अभी बैट्समैन आ रहा है कपिल शर्मा इनका क्रिकेट विकेट कुछ कमेंट्री तो सुनो। कपिल शर्मा ये सोचता है ये कपिल देव है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये अभी सचिन तेंदुलकर जैसा एक्टिंग थोड़ा करता है, ये सब एक्टिंग आता है, कपिल देव के करता है, सचिन तेंदुलकर भी करता है। ये सुनता है सारी वीरेंद्र सहवाग ऐसा करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मन में इसका बैटिंग बीटिंग कुछ नहीं मालूम है। तो ये अभी स्टैंड देने के लिए इतना टाइम रहा, इधर उधर स्क्रैच कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो गया। उसका स्टैंड देखागा तो मेरा कोई स्टैंड भी अच्छा है। Hello? अभी क्या ये नया क्रिकेट है क्या? और फोन में क्रिकेट खेल सकते क्या? जैसा खिलाड़ी ने मैं कभी नहीं देखा, फोन में भी क्रिकेट खेल सकता है। ओके ओके। अभी जडेजा जाके बॉलिंग करता है, बैट स्लिप कर रहा है, बॉल है, बैटिंग कर दिया कपिल शर्मा बैटिंग के लिए स्विंग क्या शॉट, कवर्स के ऊपर जा मारा, बहुत बहुत खूबसूरत शॉट है उधर, अच्छा फुटवर्क भी अच्छा है, इसका स्टाइल देखे तो इसका बैट ऊपर से आगे, टांग अच्छा आगे, बहुत अच्छा खेल रहा। और अभी बैट्समैन ने शॉट मारा और बैट्समैन लड़कियों के रिस्पॉन्स लेने जा रहा है। हाय गर्ल्स, गर्ल्स आर चीयरिंग अप। अभी कपिल शर्मा, अभी कपिल देव महाराज सिद्धू महाराज के जाके बोलता है मैं अच्छा खेल रहे क्या? सिद्धू महाराज कोच है क्या? इसका मालूम नहीं, सिद्धू महाराज कोचिंग करेगा तो सिद्धू महाराज का बैटिंग ऐसा नहीं है। सिद्धू महाराज कैसा खेलता है, ओपनिंग आने का तो न्यू बॉल को टपको टपको टपको, पहला बीस ओवर बाद में, अच्छा फिर ऑफ स्पिनर, बाद में ऑफ स्पिनर, ऑफ स्पिनर कोई आएगा तो ऐसा जैके पहला फास्ट बॉल उसको टुको 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 20 नॉट आउट ऑफ 2 आवर्स, देन स्पिनर्स आ सकता है सिद्धू के लिए, पहला बॉल आई हैव नेवर सीन अ प्लेयर अपार्ट फ्रॉम विवियन रिचर्ड्स क्लियर द फील्ड 9 out of 10 टाइम्स व्हेन ही लॉब्स द बॉल। सिद्धू महाराज क्या बात, थैंक यू श्रीकांत सर। अगर छक्के मारने किसी को सिखाया है इंडिया को तो वो सिद्धू। अरे क्या बात है। और ये वही बंदा है उसके बारे में एक जमाने में किसी ने लिखा था स्ट्रोकलेस वंडर। ये नाराज हो गए, ये जैसे रंग बदलते हैं ना टाई का और इसका जोड़ के आते हैं, उसी तरह ये 20 साल से मैं देख रहा हूँ, ये अपने आप को भी बदलते चले गए और बेहतर होते चले गए। और इनकी एक लाइन मैं कभी नहीं भूल सकता जी, द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो मैं वो इनसे जरूर सीखा। अरे वाह, आप बोथ ऑफ यू स्टैंड देयर नो प्लीज। सिद्धू महाराज कैसा, एक बहुत मैन ऑफ द मैच है वेस्ट इंडीज टेस्ट में। ओके, तू अनाउंस कर रहे हैं। ओके, ये चीफ गेस्ट है। ओके, हम लोग इंडियन टीम इधर, प्लीज वेलकम मैन ऑफ द मैच मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू। अब वो चाल भी चेंज हो गया है। पहले चलते ही ऐसे थे, ये ऐसे ही रहते थे। हाइट काफी ना, तो मैं बराबर करते थे बगैर दूसरे वाले को। अब आपने बिठा दिया इनको, अभी ऐसे ही है। अच्छा पाजी, खैर अब तो आप भी आजकल उठा हुआ है ये मुद्दा कि गर्लफ्रेंड या बीवियां नहीं जानी चाहिए। उस समय आप जब क्रिकेट में आए, आपकी शादी वगैरह नहीं हुई थी जी, आप तो काफी करीब से जानते हैं, जब भी कोई क्रिकेटर यहाँ पे आते हैं तो सिद्धू पाजी बड़ी पोल खोलते हैं। मैं चाहता हूँ एक आध आज भी आप सिद्धू पाजी की भी खोलो थोड़ी। बस कर यार, और अभी कसर रह गई है। चुप, उसके बारे में कोई स्टोरी मतलब सिद्धू भाई ऑलवेज से कि मैं तो कभी लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं था, ऐसा बोलता है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। अब आपका स्टोरी बना, शुरू करो। ये मेरा तलाक करा के ही मानेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं 84 में छोटा सा था, पटियाला गया पहली बार, 83 में पहली बार वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले थे। ये हमारा कैंप लगा, 1 महीने का कैंप पटियाला में, अंडर 15 नॉर्थ जोन। तो छोटे हैं भाई, सिटी में एक ही टेस्ट प्लेयर है, तो उम्मीद थी मिलेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ बातें होंगी। तो 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए ग्राउंड में, 8-10 दिन बाद मैंने पूछा वहाँ पे जो हमारे मरकन सर थे,
ना ना इस तरह ना करो। तो मैंने कहा सर ये नवजोत सिंह सिद्धू कब आते हैं, कब देखने को मिलेंगे, कभी ग्राउंड आएंगे? उन दिनों वो कहते हैं 10 बजे ना रात को, जहाँ आपकी डॉमेट्री है ना ये बारादरी स्टेडियम था, बारादरी में इनका सब महल था वहीं पे पीछे, कहते यहाँ से जब 10 बजे के बाद जितनी चीखें सुनाई दे ना किसी भी लड़कियों की तो सोचना सिद्धू जी आ गए। फिर 4-5 दिन बना लिया मुझे तूने। ठीक है, मोटरसाइकिल लेके निकलते थे भाजी रात को, तो मोटरसाइकिल की आवाज आई और पीछे उई चल रही है। फिर 2-4 दिन आवाज बंद हो गई, तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर हो गया, आवाज बंद हो गई। कहते नहीं वो शिमला गए हुए हैं, वहां पहाड़ों में आ रही है। ये क्या बनी हुई तू? सुपरमैन। और तुझे दिख नहीं रहा मैं नर्स की ड्रेस पहन रखी है? अगर तू ज्यादा बोला ना आज तो एंथूसिया तेरे मुंह में ठूस देना मैंने। एंथूसिया नहीं, एनेस्थीसिया होता है। हाँ जो भी होता है, असर तो एक ही जैसा होता है ना। गेस्ट आए हैं, गेस्ट। सत श्री काल। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू अजय जी। ऑल टू यू, ऑल टू यू, ऑल टू मी। श्रीकांत जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बोलेगा तो मैं भी ठीक है जी। Excuse me. Yes. आप थोड़ा बहुत बड़ा क्या बोलता है इंजेक्शन वाला, ये मेरे को डालता है क्या? अभी रुकिए, देखना मैं क्या क्या करती हूँ। सुनिए, मैं ना आपकी क्रिकेट टीम में फिजियोटाइपिस्ट बनना चाहती हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोटाइपिस्ट नहीं होता कोई। ओ स्पेलिंग तुझे बड़े आते हैं, काम तुझे एक भी नहीं आता। तुझे आता है? लो मुझे क्यों नहीं आता, मुझे सब आता है। देखिए पहले ना ऐसे पेशेंट का हाथ मरोड़ दो, हैं? फिर उसकी टांग पकड़ के थोड़े से ऐसे करके मरोड़ दो, इन दोनों को ऐसे ऐसे करके तोड़ते मरोड़ते रहो। हाय ओए रब्बा, हाथापाई करना था ना मुझे बचपन से ही बड़ा पसंद है लड़कों के साथ। I love it। लड़कों के साथ बोला ना, ये बुड्ढों के साथ नहीं ना। ये देख लो, ये बनेगी इंडिया टीम की फिजियोथेरेपिस्ट, झूठी नर्स कहीं की। और क्यों नहीं बनूंगी, सब कुछ आता है मुझे। मैं ना आपके सारे टेस्ट करके बताऊंगी इसे कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है? उनके बारे टेस्ट करो पहले, मैं ना बारी नहीं, पहले आपकी बारी है, इधर आइए, इधर आइए। मैं ना सबसे पहले इनका बीपी चेक करूंगी। करंट मारेंगे, करंट। सुनिए, दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए, कस कर इधर पकड़िए। ओहो गिर गया। मैं क्यों पकड़ना चाहिए? आपको ही पकड़ना चाहिए, मैं क्यों नहीं पकड़ना, इसको पकड़ना है। अरे का सिद्धू महाराज, ये क्या है? ओहो, आपका बीपी तो ठीक है पर ना रक्तचाप थोड़ा कम है। क्या मतलब है सर? ये पागल है, ब्लड प्रेशर और रक्तचाप एक ही चीज होती है। ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। ओ इनका हिंदी में कम है ना, तभी तो इन्हें हिंदी कम आती है। रक्तचाप मीन क्या? रक्तचाप मीन ब्लड प्रेशर सर। प्लीज उसे छोड़िए, दूसरे पेशेंट को भी देखना है। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अजय जी, अजय जी तेरे से क्यों चेकअप कराएंगे? डिस्टर्ब कर रही है, देश के इतने बड़े खिलाड़ी है और तू। और देश के बड़े खिलाड़ी हैं तो प्रधानमंत्री आएगा इनका रक्तचाप करने? सुनिए जी, नॉर्मल वाला बीपी कितना होता है? हैं नॉर्मल बीपी 80-120। मैं अभी चौथी पास हूं। 180-220। अच्छा, वो इंजीनियर है, उन्हें पूछो। हाँ ठीक है, आपका कान लाइए थोड़ा इधर। उसके कान में क्यों घुसा रही है? तेरी, इनका तो नॉर्मल है। तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। अच्छी कैसे बात है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इनका तो सब कुछ एबनॉर्मल होना चाहिए। हुआ अभी तू जा यहाँ से, प्लीज मुझे यहाँ पे बात करने दो, हमेशा आ जाती डिस्टर्ब करने दो। आप सुनिए, आपको अगर चोट लगे, बिट्टू इन्हें कह दे इन्हें चोट लगे तो मेरे पास ना आए। एनीवेज आई एम गोइंग। ओके, थैंक्स भाई। पैरी पहना, पैरी पहना।
आप मां आशीर्वाद में अच्छा हो। ये क्या मुझसे मिलने आ रहा था इसलिए बाल सफेद कर दिए? अरे आई लाइक मैन इन ब्लैक हेयर ऑल्सो। अच्छा पता है बहुत अच्छे मौके पर आया हूँ। अभी पंखुड़ी को मैंने ना मैच में हरा दिया। हेलो अरे अरे कृष्ण मजारी श्रीकांत डरा मत उसे। अबे आप श्रीकांत जन हु कैन भाई मुझे आपके नजर में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़ी फैन हूँ। थोड़ा शुक्रिया श्रीकांत भाई। ये आपकी तो मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि आपके लिए मैंने गाना बनाया है। अभी तक इतना ही बनाया, इसके आगे का अभी फुर्सत होगी तो बैठ के बनाऊंगी फिर सुना दूंगा। कैसी झूठी औरत है, भगवान से डर। अभी बाहर कह रही थी कि मैं सिर्फ सिद्धू जी की फैन हूँ। ऐसा कहना पड़ता है, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कौन करे। When you stay in water, alligator. हंग्री आंटी मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तुम लोग बाहर जा खेलो जाओ। अब हम बाहर ही तो खेल रहे थे, उसमें क्या थे? दादी चीटिंग कर दिया। मैं आपको बता दूं अजय जी श्रीकांत जी चीटिंग कैसे कर दिया ये अब हम खेल रहे हैं तो ये बढ़िया था रनअप लेती है, ये भाग क्या दिया है रनअप लेती है बढ़िया था, फिर आके ऐसे फेंक देती है। अब ये तो गलत एक्शन हो गया ना, रॉन्ग एक्शन हुआ क्या? ये अंडरआर्म एक बार ग्रिप्सेबल किया इसलिए ठीक है। क्या ठीक है? ये लोग अच्छा लोग आदमी लोग नहीं है, ये सब कलयुग आदमी है। ये कलयुग लिसन, ये चार दाड़ी खेल के आ रहे थे वो तो बोल। ये कलयुग आदमी लोग ले, हम लोग वापरा लोग के आदमी। योर टाइम ओवर नाउ, माय टर्न स्टार्ट्स। हम क्या खेल रहे थे, मतलब व्हाट वी वर प्लानिंग, टेल हिम दाड़ी। वी वर प्लेइंग कंचा गोटी गोटी। नाउ गोटी खेलने में ऐसे फेंकने का रूल थोड़े वो तेरे बाप ने बनाया क्या? मेरा बाप पे मज्जा तभी से बात कर रहे। मेरा बाप ये रूल वूल बनाने का काम नहीं करता था, तो? बुढ़िया के बाल बना के बेचता था मेरा बाप। अच्छा, बुढ़िया के बाल बना के बेचता था, तो ये ठुड्डी के बाल क्यों छोड़ दिए, ये क्यों नहीं बेचा? ए, दादी पंखड़ी तुम लोग को शर्म नहीं आती इस उम्र में कंचे खेलती हो तुम लोग बाहर? उस पर शर्माना क्या, खेल तो इस उम्र में कपिल देव भी खेलता है। He plays golf. दादी golf respectable game है। आज ऐसा क्या respect है golf में? उसमें बॉल को क्या बॉल जी कहते हैं? ए भाई एक काम करते श्रीकांत जड्डू हमारी टाइप्स वाले गेम खेलते हैं। कौन से गेम तुम्हारे टाइप वाले? लव टाइप्स वाले हैं। हाँ लव टाइप लवी डवी डॉली वर्सेस चिक्का। हाँ हाँ दादी श्रीकांत सर का पूरा नाम ले। पूरा नाम बोलोगे तो बरसात खत्म हो जाएगी। इसीलिए चीका ही ठीक। ये क्या हुआ? अच्छा मेरे प्राणनाथ मेरे साथ एक रोमांटिक सीन करो। अरे एक मिनट मैं बॉलर नहीं हूँ जो पीटने के लिए दौड़ रहे हो बार बार। कंट्रोल पूरी लाइन तो सुन लिया करो। सुनो मेरे यौवन के संदर्भ में कोई विशेष टिप्पणी करो। यौवन मतलब जवानी चीका भाई। ताकि मेरा अधर आपके ललाट को स्पर्श करके चूम सके। दादी श्रीकांत सर इज लिटिल इंग्लिश सो यू डायरेक्ट कम टू द पॉइंट व्हाट यू वांट टू से। ऐसा ही एक गेम हम भी खेल रहे साथ में। चुप कर अगर था जो मेरी टेरिटरी में आई तो
तेरे तेरे मतलब इधर जा। अब कर क्यों भाई अटैक कर रहे आदमी को क्या बन गया छापे दे दिए परमानेंट। दादी देखो तुम लोग दोनों आपस में लड़ा मत करो, स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए अपने अंदर आपको, स्पोर्ट्स स्पिरिट रखनी चाहिए आपको। अरे स्पोर्ट्समैन तो बता नहीं मुझे, लेकिन स्पिरिट की बोतल मैं इसके लिए लाई हूं जो इसके सर पे फोड़ूंगा यार। चुप कर, इतना अच्छा मौका है, दो दो जवान बल्लेबाज आए हैं, चल इनके साथ गेम खेलते। एक काम करते श्रीकांत और जड्डू, तुम दोनों एक एक टीम बनाओ और हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। चलो एक एक को चुन लो फटाफट, आप कैप्टन और जड्डू भी कैप्टन, जल्दी से हम दोनों को सेलेक्ट करो अभी। यू इतू सा गेम, इतू सा यो 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 यू आई ऑलवेज न्यू कुछ नहीं, गेम आसान था, ये आपने देखा होगा गेम, ये देखो ये हम खेलेंगे पिट्ठू। इधर मत चुकी है, मैंने आठू नहीं कह रही हूँ बेटा, मैं कह रही हूँ गेम का नाम है पिट्ठू। सेवन टाइम्स पिट्ठू पिट्ठू। ओके यू नो पिट्ठू यो ए जिसके बेटे हमेशा जल्दी में रहता है, ये गेंद देखी नहीं कि बल्ला उठाया। आप आइए आप क्रिकेट खेलते हैं, आप आता है अच्छा मुझे आता है। एक मिनट एक मिनट, पिट्ठू कमेंट्री करेगा, ये तो टीम है। एक मिनट जल्दी फेंकना नहीं, बड़ी घाई रहती तुझे। अच्छा तू तो बड़ा चाचा ही, जो भी हारेगा हाँ। उस टीम का मेल मेंबर जो है वो दूसरे टीम की फीमेल मेंबर को अपने कंधे पे लेकर घुमाएगा। ये व्हाट है स्नीकर याद है? या कंसंट्रेट। ये बढ़ गया भागो चलो चलो खेलो। लग गया लग गया लग, आपको लगा? लगा मेरा लगा 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 अच्छा अच्छा लग गया लग गया लग गया। आप लोग हार गए, वो आपका जो मेल मेंबर है, इस टीम की फीमेल मेंबर कौन है? मैं, मुझे अपने कंधे पे लेके जाना पड़ेगा आपको। यू पिक हर अप लल्लाहुर जिंगल लल्लाहुर एंड डू टेक आउट 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 हां हट आउट यू कांट गो अदरवाइज। ओके आप कंधे पे लेके जाएंगे वो होगा हां। और इतना ही नहीं, ये चार दाढ़ी चिका को लेकर चली गई, अब वो तो आने से रहा। मैं क्या कह रही थी जड्डू जी, चिका तो चला गया, डिंक चिका का क्या? असी मार गए मरे तेरे दुश्मन। कम डियर आओ जी दादी। बहुत अच्छा लगता है। अजय सर यहाँ पे क्रिकेट के चाहने वाले, आपको चाहने वाले यहाँ पे मौजूद है जो आपसे बातें करेंगे, सो आप लोग एक एक करके अजय सर से बात कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी सर। हेलो सिद्धू सर। हेलो 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 कपिल। हाय। हेलो अजय। हेलो। मेरा सवाल तो क्रिकेट से रिलेटेड ही है। आप सभी हम लोग जानते हैं कि आप काफी धुआंधार बल्लेबाज रह चुके हैं, आपको आपके समय में कौन सा गेंदबाज खतरनाक लगता था? यार सारे ही खतरनाक थे, बट पहला मैच अभी श्रीकांत साहब चले गए हैं तो उनके साथ खेला था पहला मैच मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वहाँ से वसीम अकरम बॉलिंग करता था और मोइन खान बॉल पकड़ता था, हम तो खड़े ही थे
वो खेलते रहते थे दोनों, कभी यहाँ से यहाँ से, तो मतलब वो इतना खतरनाक था। आप ये सोच लो कि श्रीकांत साहब के साथ जब मैं पहली बार, वो मेरे पहली इनिंग थी उसके साथ, वो पूरी इनिंग में मुझे याद ही नहीं श्रीकांत साहब ने कोई वर्ड भी बोला हुआ। तो आप सोच लो वो कितना खतरनाक था। तो नहीं, मैं श्रीकांत साहब को नहीं बोलने दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में ग्रीन टॉप पिचिंग होती थी, उसने बाउंसर मारा मुझे भी, मैं बैटिंग कर रहा था सामने रवि शास्त्री, तो मैंने यूं छोड़ा शूम करके निकल गई। तो रवि शास्त्री मेरा हौसला अफजाई करने आया, कहता बहुत अच्छी छोड़ी, वेरी वेल लेफ्ट। मैं, मुझे तो दिखी नहीं। सर, जैसे पाकिस्तानी गेंदबाजों की बात छेड़ी है, तो हम सभी लोग पाकिस्तान और भारत के मैच का काफी क्रेज रखते हैं, तो ऐसा कोई ड्रेसिंग रूम का कोई वाकया है जो आप हम लोगों के साथ में शेयर करना चाहोगे? मैं शायद एंटी क्लाइमैक्स कर दूं, क्योंकि मेरे लिए हमेशा, मतलब अंडर 19 जब मैं खेला था तब भी हम पाकिस्तान के विरुद्ध खेले थे, और तब जो दोस्त बने हैं मेरे उस टीम के, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। और मैं मानता हूं कि अगर ये 47 ही ना होता तो शायद वो भी आज हमारी टीम में होते। तो ये कई तो मीडिया ने बनाया। आई थिंक तो मेरे यार दोस्त भी वो हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज जिसके साथ आप सेम बोलते हो, उठना बैठना सेम, कल्चर सेम, तो उनसे दुश्मनी कैसे हो सकती है? लेकिन ड्रेसिंग रूम में अंडर 19 में भी हम मैच खत्म होने का हार नहीं सकते, क्योंकि हम बड़े ही वो देख के हुए थे। मियां दाद ने छक्का मारा, एक ही तो इच्छा थी कि जाके ना पाकिस्तान को हराना है। लेकिन मैच से मैच में लड़ाई होती है, वो बिल्कुल गेम है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो, इनमें भी हमारी इतनी लड़ाई होती थी। लेकिन जो यारी दोस्ती बनती है वो उसी से होती है अगर आपकी इज्जत हो सामने। तो हमेशा उनको मैंने रिस्पेक्ट की है और वो हमें भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए आज भी वो मेरे दोस्त हैं। अरे क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर आपने, सर। और अजय सर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहाँ से आए सर आप? मैं नवी मुंबई से आया, नेरुल से। तो आप क्या करते, क्रिकेट के शौकीन हैं आप? मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ सर। आई एम अ सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स। अरे मर गए। ओए मार गए। अच्छा। कॉफी लेंगे आप? सर सिर्फ कॉफी से काम नहीं चलेगा। ये बताना जरूरी था आपको। उनके एसी लगे हुए हैं जो कस्टम नहीं बना। अपना ऑरेंज ईपू वापस लेता हूँ। ये आपको बताना जरूरी था, आपने मुझे रोक ही दिया थोड़ी देर के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त है? तेरी लालम भी लाल है। हरा दुपट्टा हरी टाई। हेलो सिद्धू सर। हेलो अजय सर। हाय कपिल। हाय। मेरा क्वेश्चन अजय सर से। पहले आप हेलो सिद्धू सर उनकी तरफ देख के बोलो। हेलो सिद्धू सर। आप देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। हाय कपिल। मेरा क्वेश्चन अजय सर से है सर, अगर आपको बॉलीवुड की कोई एक्टर को लाइक करते हो और उसको डेट पे ले जाना हो तो वो कौन होगी? ये शादी के बाद सवाल आते हैं ना सर, ये प्रियंका होगी, दीपिका होगी या कंगना होगी? ये सवाल जो शादी के बाद पूछते तो आदमी का दिल ही नहीं करता, कि करता तो अंदर से होता, पर जवाब क्या दे आदमी? और जवाब भी क्या, मैं तो तीनों के साथ तैयार हूँ, वो नहीं तैयार कोई जाने। बताइए ना सर। मैं ऑलरेडी बंदा हूँ, वन वे ट्रैफिक हो गया। मैं देखो अभी भी खेलने को तैयार रहता हूँ। मैं किसी ने लास्ट ईयर बोला खेलने आ जाओ, मैं चला गया वहाँ भी खेलने। मैं ऑलरेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, वो तीनों तैयार नहीं। कोई एक तो होगी ना। अब अभी जो अपने वाले हैं बस वही दीपिका, वही कटरीना, सब कुछ वही है अब। अच्छा, मैं तीनों में से किसको जी, किसको लाइक करें? आई थिंक जो इनकी परफॉर्मेंसेस देखी है मैंने टीवी में, मैं इनको जानता नहीं और आज तक नहीं मिला। तू सफाई मत दे, तू किसके साथ जाएगा ये बता मेरे को। देखो वो क्वीन पिक्चर में जो कंगना जो टेबल पे चढ़ के नाची थी ना, अच्छा वो मेरी जवानी याद करा दी। चलिए सर, मैं आपके साथ एक डांस करना चाहूंगी उनके गाने पे। टेबल ही नहीं है यहाँ ये। कोई बात नहीं, कर लेते, आ जाओ स्टेज पे, कर लेते, आ जाओ। ये तो कंगना का नाम ले दिया, कंपटीशन हो गया हमारा। अच्छा तुसी भी चांस ले रहे हो। आई कैसे, क्या नाम बताया आपका? आपने टेबल टेबल वाला है? बिल्कुल एकता हो गई आप आते ही। क्वीन के गाने पे करेंगे आप? ओ क्वीन दा हो जो जड़ा हो तोड़े बिना नाच। नहीं नहीं नहीं, आजकल सारा दिन लगे
सोफा तोड़ परफॉर्मेंस. शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच. तू आप पार परफॉर्मेंस. भाई आप ठीक समझा मैं भाई. खोदा बाहर निकली चुही, आवाज कहां से आई? आ गई बस. क्योंकि बिल्ला नाम है मेरा. काम क्या है? मैं यहां पे तुमसे किराया वसूलने के लिए आया हूं. मेरी आवाज आ रही है? मैं तुमसे यहाँ पे किराया वसूलने के लिए आया हूँ. अगर तुमने किराया नहीं दिया तो याद रखना, ये चाकू मैं खुद को मार लूंगा. अबे तुझे किराया किस लिए दूं? तू मेरा मकान मालिक है क्या? मकान मालिक नहीं हूँ. मकान मालिक तो तुम सुनते ही कहा हो. उसने मुझे भेजा यहाँ पे किराया वसूलने के लिए. अगर तुमने मुझसे डर के किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर के बाहर जाके नंगा होके नाचूंगा. देखो एक काम करना, तुम बाद में आना. अभी एक्चुअली मेहमान आए. एक तो तुम अपनी सिस्टर की सलवार पहन के आ गए, ऊपर से मेहमान आए हो. मेहमानों की इज्जत मुझे करनी बहुत आती है, इसलिए कह रहा हूं मेहमान आए बाद में आना. इज्जत कर रहे हो? मेरी माँ ने कहा कि मेहमानों की इज्जत करनी है. आपकी मैं इज्जत कर देता हूं. इज्जत है जी, इज्जत है. इज्जत ले लो जी. इज्जत अपने मेहमानों की करवा दी. किराया देनी ना, किराया दो. अबे इज्जत का किराया से क्या देना लेना देना? अगर तुमने 15 मिनट में मेरा किराया नहीं दिया तो मैं ना फिर मैंने सारा किराया देता हूँ. मैं नया प्रोफेशन में आया हूँ बदमाशी का. मुझे एक्सपीरियंस कोई है नहीं, मैं बता दूँ. ठीक है, इसलिए मुझसे तमीज से बात करनी है. किराया चाहिए? हाँ जी. अरे पहले क्यों नहीं बताया? लो. किधर गया? 50,000 का वसूल आया. शक्ल देखो चमगादड़ जैसा, मुंह उठा के किराया मांगने आ गया. ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया. तूने मेरे को चमगादड़ बोला. थप्पड़ का बदला कोई बात नहीं, खाता रहता हूं मैं. चमगादड़ नहीं बोलना. ये तूने अच्छा नहीं किया. अब देख, अब ना मैं ना देख तेरे से बात भी नहीं करूंगा. हट जा. मेरे को इनसे बात करनी आ रहा है. आओ जी बैठो. जुनेजा साहब क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास बैठो. और सब ठीक? और बताओ ठीक ना? इनको पता जुनेजा साहब जी, बहुत इंडिया का नाम रोशन किया आपने. अब आपका बेटा भी रविंदर जुनेजा अच्छा खेल रहा है. अबे वेरी नाइस. उनका बेटा थोड़ी ना रविंदर जडेजा. तो फिर इन्होंने अपना जडेजा उसको क्यों दे दिया भाई? मुझे आपसे काम की बात करती है. जी सर हुकुम. चलो एक डील कर लेते हैं. मेरे बेटे को क्रिकेट में डलवा दो, क्रिकेट लाइन में डलवा दो. स्कोर क्या है? वैसे आने के पैसे तो मैंने उनको दे चुका हूँ, फिर भी आपका बेटा कितने साल का? मेरा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई. एक महीने क्या हो गया ना, बात फिक्स हो जाएगी. मेरा बेटा क्रिकेट में आ रहा था, फिर मैं पैदा भी कर लूंगा. इसमें कोई बड़ी बात है नहीं. क्या किया? ऐसा ना हो कि आप बोलो कि क्रिकेट नहीं बन सकता, मैं उसको पैदा कर लूं, फिर उसको लगे कि यार मेरे साथ तो ठगी होगी, मैं तो वापस भी नहीं जा सकता. एक बार ही आप प्रॉमिस कर दो तो फिर ठीक है. अब जाए यार, क्रिकेट क्रिकेट खेलना तुम्हारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है. जब भाग यहां से. क्रिकेट में मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फील्डिंग में. अच्छा, जब जडेजा साहब सिद्धू साहब शॉट मारते थे ना बहुत बड़ा, जब बॉल मैदान के बाहर जाती थी तो मैं ही कैच करके अंदर फेंकता था. तो एक काम करना,
तो ये भगवान ने इतनी अच्छी आवाज दी, लेडी कमेंटेटर क्यों नहीं बन जाता? ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं यार, फिर तो मेरा बस एक ही कंपटीशन होगा, मंदिर और बेदी। एक मिनट, तुम मुझे क्रिकेट की बातें बुला रहे, किराए वाली बातें बुला रहे हो, है ना? यार तू बाग घूम फिर के फिर किराए में क्यों आ जाता यार? किराया लेने आया हूँ मैं। तू एक काम करना, यहाँ पे जडेजा साहब बैठे ना, इनके साथ एक गेम खेल ले। अच्छा? अगर तू जीत गया अच्छा तो फिर तू देखना तेरे को क्या करना है, अगर तू हार गया तो फिर मेरा किराया माफ। ठीक है, मुझे मंजूर है, बैट बॉल लाओ भाई। तू गेम खेलोगे? लाओ बॉल दो पाजी, इसको आपने पहली बॉल में आउट कर दो ताकि मेरे को इसको किराया देना ना पड़े। इसके नाक पे बाउंसर मार दे रहा यार, तेज चला। नाक पे बात नहीं आ रही, आंख पे मार लो कोई नहीं। ओके मैम बाहर। ओके शुरू करते हैं क्रिकेट लेके गुरु का नाम। ओ गुरु हो जा शुरू। टोको, एक मिनट एक मिनट, टोको। एक मिनट। विकेट किथे है? विकेट है, आएगी, आइडिया है हमें किधर होनी चाहिए। आप बॉल फेंको जी। ओके तो अजय जडेजा बॉलिंग के लिए तैयार, और सामने फालतू से बैट्समैन जी। उनसे तो पूछ लो फिर रोक दे कहीं। नहीं, 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 देख रहे हो। और नो बॉल। और नो बॉल कैसा? नो बॉल, बॉल हुई तो है, नो बॉल कैसे? अबे नो बॉल मतलब नो बॉल। मेरे साथ ठगी कर रहे हो, ज्यादा बॉल पड़वा के मुझे आउट करने के चक्कर में हो। नहीं, ये यस बॉल है, यस बॉल है, ये नो बॉल नहीं है। अबे बेवकूफ आदमी, मैं तेरे साइड की बात कर रहा हूँ। बिल्ला बदमाश को बेवकूफ नहीं बनाना कभी भी। यस बॉल है, है तो है। सीधा 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 आउट कीजिए इसको। आउट 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 आउट। ऐसे कैसे आउट? अबे आउट हुआ, शरीयत बॉल बॉल लगी है। लैग भी फोड़ दो विकेट होता है, बेल्ट भी फोड़ दो विकेट थोड़ी होता है। अबे तो तू विकेट क्या क्या खड़ा था? आउट है? नहीं आउट नहीं है। आउट है? अभी किराया माफ, चल भाग यहाँ से। यार मेरे बॉस ने कहा था या तो पीट के आना या तो पिट के आना। आउट है, अब आउट है। आउट हो गया, ये दो बार चूक लिया। दो बार हो गया। नहीं पर ये क्या हुआ? बॉस ने कहा था या तो पीट के आना या पिट के आना। नहीं पर तू रो क्यों रहा है? बॉल गलत जगह पे लगी। एक अब फायदा कोई नहीं, अब तो तुम हार गए तो किराया मैंने। बॉस ने कहा था या तो पीट के आना या तो पीट के आना, या तो मैं आउट हो गया यार। तो फिर क्या उसको क्या बहाना दूंगा? मुझे तो एक ही बहाना आता है, मेरा भाई बीमार है, मैं कल स्कूल नहीं आ सकता। तो फिर क्या यार? तो मैं काम करो ना, उनको कह देना मैं घर पे नहीं मिला। तो ये बहाना तो मेरे दिमाग में नहीं आया यार, कमाल है, वाह क्या बहाना है, वेरी गुड। चाकू ले जाओ। ठीक है, दोबारा नहीं आना किराया लेने। अबे तेरा किराया, किराया तो मैं वसूल लूंगा सिद्धू भाई, आपके साथ यहाँ पे कंटी बिग बैंग भी बैठ डांस करके। आयो आयो आयो। जडेजा भाई, सिद्धू भाई ते कंटी बिग बैंग, आयो आयो।
मच आप कॉमेडी नाइट्स में आए। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इज्जत दी इतनी। बड़े भाई ने बुलाया। ठोकते रहो मत रोको। और आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.